गाइस, क्या आपको पता है कि वैज्ञानिकों को एक ऐसा महासागर मिला है जिसमें इतना पानी है कि पृथ्वी पर मौजूदा 5 महासागरों का पानी भी इसमें समा सकता है। जी हाँ गाइस, वैज्ञानिकों ने 8 साल की कड़ी मशक्कत के बाद पृथ्वी का 6ठा महासागर ढूंढ निकाला है और ये महासागर उन्हें पृथ्वी के ऊपरी और निचले आवरण के बीच ट्रांजिशन जोन में मिला है। दरअसल वैज्ञानिकों की एक रिसर्च टीम साल 2014 में बोत्सवाना के एक दुर्लभ हीरे की खोज कर रही थी और तभी उन्हें पृथ्वी से 650 किलोमीटर नीचे पानी का भंडार दिख गया, जिसमें पहले तो उन वैज्ञानिकों को लगा कि ये सिर्फ सरफेस वाटर है, लेकिन जब इसकी गहराई की जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि ये तो अथाह पानी से भरा हुआ विशाल महासागर है। बहरहाल वैज्ञानिकों का तो ये भी मानना है कि ये 6ठा महासागर भविष्य में धरती की गहराइयों में छिपे अनंत रहस्यों पर से पर्दा उठा सकता है और हमें ऐसे कई राज का पता लग सकता है जो शायद इंसानों की सोच से भी परे हो। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है कि क्या राज छुपा होगा धरती के नीचे मिले इस रहस्यमयी महासागर में? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। गाइस, अक्सर आपने मंदिरों में जाते हुए भक्तों को मंदिर के द्वार पर लगे घंटे को बजाते हुए देखा होगा, जो पौराणिक तौर पर भगवान का अभिवादन करने का एक तरीका भी माना जाता है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन पता है? नहीं ना? चलिए आज मैं आपको बताता हूँ। दरअसल मंदिर का घंटा जिस मेटल से बना होता है उसमें फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कॉपर, जिंक और निकल होते हैं, जिससे निकलने वाला साउंड फ्रिक्वेंसी 7 सेकंड तक एनवायरनमेंट में ट्रेवल करता है और हमारे राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन को एक साथ अलाइन करने में मदद करता है। अब इन 7 सेकंड में हमारा दिमाग एक ट्रांस स्टेट यानी कि न्यूट्रल स्टेट में चला जाता है, जहां हमारे दिमाग में अन्य कोई विचार नहीं आते और इस तरह से हमारे और भगवान के बीच का एनर्जी का ट्रांसमिशन इफेक्टिवली हो पाता है और वो भी बिना किसी डिस्टरबेंस के। गाइस, बलूचिस्तान भारत का हो सकता था अगर हमारे नेताओं ने ये गलती ना की होती। जी हाँ गाइस, बंटवारे के वक्त बलूचिस्तान भी कश्मीर की तरह स्वतंत्र रहना चाहता था, लेकिन बलूचिस्तान भौगोलिक रूप से हमारे देश की सीमाओं के बहुत दूर है और इसीलिए हम उनके इस निवेदन को ठुकरा रहे हैं। लेकिन जैसे ही जिन्ना को ये खबर मिली, उसने इस रेडियो प्रसारण के 2 दिन बाद ही पाकिस्तानी सेना के द्वारा बलूचिस्तान पर हमला बोल दिया और जबरन बलूचिस्तान को पाकिस्तान में मिला लिया। गाइस, हमारे नेताओं की इसी गलती की वजह से आज तक बलूचिस्तान पाकिस्तान से आजाद होने के लिए संघर्ष कर रहा है। गाइस, उत्तराखंड में द लेक ऑफ स्केलेटन्स नाम की एक झील है जिसमें 100 इंसानों के कंकाल हैं और ये आज तक का सबसे बड़ा रहस्य है कि आखिर ये 100 लोग हैं कौन। दरअसल इस झील को साल 1941 में खोजा गया था और तब एक थ्योरी सामने आई थी कि ये 100 लोग वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान मारे गए जापानी सोल्जर्स हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि ये कंकाल तो 850 एडी के और इन कंकालों में सभी के सिर के पीछे एक जैसे क्रैक भी थे, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्हें मारा गया था। और अब रिसेंटली यहाँ एक और बड़ी रहस्यमयी खोज हुई जिसमें यह पता लगा कि असल में ये 100 लोग 2 अलग ग्रुप के थे और उनकी आपस में लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इनके सिर पर क्रैक के निशान हैं। लेकिन ये थ्योरी भी अब फेल होती दिख रही है, क्योंकि अगर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में जंग हुई होती तो सिर्फ सिर पर ही चोट के निशान क्यों होते? शरीर पर और बाकी जगह पर भी हो सकते थे। बहरहाल ये 100 लोगों के कंकाल का रहस्य अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन आपका इसके बारे में क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए A2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें सब्सक्रिप्शन और आपके प्यार की जरूरत है।